हेलो गाइज, मैं हूं अमित। गाइज, आपको पता है कि प्रोफेशनल क्रिकेट में यानी कि वनडे मैचेस में, टेस्ट मैचेस में, टी20 मैचेस में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यूज़ किया जाता है एक लेदर बॉल का, जो कि किसी भी कलर की हो सकती है उसके फॉर्मेट के हिसाब से। जबकि जो गली क्रिकेट है या फिर लोकल मैचेस हैं उनमें यूज़ किया जाता है जनरली एक टेनिस बॉल का, यानी कि रबर वाली बॉल का या फिर स्टम्पर वगैरह, जो भी कोई रबर की बॉल होती है उसका। तो आपके मन में भी कभी ना कभी तो ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों जो एक प्रोफेशनल क्रिकेट है उसमें सिर्फ लेदर बॉल का यूज़ किया जाता है, क्यों नहीं उसमें एक टेनिस बॉल का यूज़ किया जाता। तो आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसको बजा लीजिए और स्पोर्ट्सशाला की एक और वीडियो का मजा लीजिए। तो भाई शुरुआत करते हैं टेनिस बॉल के एडवांटेजेस के साथ में, यानी कि क्या फ़ायदे हैं टेनिस बॉल यूज़ करने के। जी हाँ, कुछ फ़ायदे हैं टेनिस बॉल इस्तेमाल करने के। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि टेनिस की बॉल बहुत ही सस्ती होती है, जो कि आपको जो है 40-50 से लेकर 60-70 रुपये तक में मिल जाती है। इसके अलावा जो रबर की बॉल्स होती है यानी कि स्टम्पर वगैरह, वो भी आपको जो है 30-40-50 रुपये में मिल जाती है। इसका मतलब बहुत सस्ती है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है और हर जगह आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप बात करें एक लेदर बॉल की, तो अगर आपको एक अच्छी लेदर बॉल चाहिए खेलने के लिए, तो लगभग आपको जो है 500-600 रुपये कम से कम खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आप प्रोफेशनल्स की बात करें, जो कि जैसे कि IPL में या फिर ODI वगैरह में जो यूज़ करते हैं बॉल, वो जो है 8-10 हज़ार रुपये से शुरू करके 15-20 हज़ार रुपये तक की एक बॉल होती है। तो कितनी ज़्यादा महंगी है, आप इस चीज़ का आइडिया यहाँ पर लगा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा फ़ायदा ये है टेनिस बॉल यूज़ करने का कि इसमें सेफ्टी ज़्यादा है, यानी कि जो लेदर वाली बॉल है वो ज़्यादा डेंजरस है। कैसे? अगर आप खेल रहे हैं इस बॉल से, टेनिस वाली बॉल से या इस बॉल से, तो और बॉल जो है आपकी बॉडी के ऊपर लग जाती है, स्पीड से भी लग जाती है, तो भी आपको बहुत कम चांस है कहीं लगने की। और आपने जनरली देखा होगा कि गली क्रिकेट वगैरह में जो लोग हैं वो यूज़ ही नहीं करते सेफ्टी इक्विपमेंट्स का, यानी कि हेलमेट, ग्लव्स कौन पहनता है अगर आप टेनिस बॉल से खेल रहे हैं। वहीं अगर एक लेदर बॉल जो है वो लग जाती है आपके शरीर के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, तो पूरा चांस है कि बॉल आपको इंजर करेगी, आपको चोट लगने की पूरी संभावना है। तो अगर आप टेनिस बॉल से खेलते हैं तो आपको सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट है ये आपका कॉस्ट जो है उसको और बढ़ा देंगे। एक तो बॉल महंगी थी, साथ में जो इक्विपमेंट्स हैं उनका कॉस्ट भी जुड़ जाएगा। तो इस वजह से जो है गली क्रिकेट में यूज़ किया जाता है टेनिस बॉल्स को। तो गाइज, अब सवाल आता है कि क्यों नहीं यूज़ किया जाता टेनिस बॉल्स को या रबर बॉल्स को प्रोफेशनल क्रिकेट में। तो इसका जवाब है कि बॉलर्स का, बैट्समैन्स का और व्यूअर्स का, सभी का जो मज़ा है वो कम हो जाता है, सभी को नुकसान होता है जब यूज़ किया जाए अगर एक टेनिस बॉल को या फिर रबर बॉल को। दोस्तों, इसके पीछे रीज़न है, अगर हम शुरुआत करें बॉलर्स के साथ में, तो आपको बताया है कि बॉलर जो हैं वो अपने स्किल्स दिखाते हैं, बॉल को स्विंग करवाते हैं, बॉल को वो जो है स्पिन करवाते हैं, उसके अलावा बॉल को काफ़ी फास्ट स्पीड से फेंकते हैं। आपको पता है कि जो बॉल्स हैं वो 150 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से भी काफ़ी बॉलर्स जो है बॉलिंग करवाते हैं, इससे ऊपर भी करवाते हैं। तो अगर आप एक टेनिस की बॉल को इस स्पीड से फेंकेंगे, तो इस बॉल का वेट कम होने की वजह से और इस बॉल की सरफेस रफ होने की वजह से हवा में ही बॉल की स्पीड कम हो जाएगी, और जब तक ये बैट्समैन के पास पहुंचेगी तब तक इसकी स्पीड जो है, अगर आपने 140 से फेंकी तो बॉल जो है वो 125-130 के आसपास पहुंचेगी, यानी कि बैट्समैन के पास में उतनी स्पीड से पहुँची नहीं, बॉल स्लो हो गई। तो बैट्समैन को रिएक्शन टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, शॉट मारने का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, सोचने का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, और जो बैट्समैन है आराम से हिट कर सकता है। दूसरी बात आती है स्विंग की। तो आपको पता है कि जो एक लेदर बॉल होती है वो स्विंग क्यों करती है, उसकी वजह है उसकी जो दोनों साइड्स हैं, ये जो सीम है इसके दोनों तरफ दोनों साइड है, एक साइड जो है वो स्मूथ होनी चाहिए, दूसरी साइड रफ होनी चाहिए, जो कि मैच के दौरान खिलाड़ी करते रहते हैं, चिकना करते रहते हैं बॉल को। लेकिन जो है ये वाली चीज़ एक टेनिस बॉल के साथ में नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी सरफेस बहुत रफ है, ना तो इसके ऊपर सीम है। सबसे पहले सरफेस इतनी ज़्यादा रफ है, अगर आप इसको क्लोजअप में देखेंगे तो इसके ऊपर आप किस तरीके से एक साइड को स्मूथ करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको स्विंग नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। तो यानी कि बॉलर्स का जो स्किल है स्विंग करवाने का वो गया, और साथ ही साथ में जो स्पिनर्स हैं उनको भी कोई ज़्यादा खास स्पिन नहीं मिलती एक टेनिस बॉल से, क्योंकि जो लेदर बॉल होती है उसके ऊपर सीम होती है, जो सिलाई होती है, वहाँ से जो है बॉल टप्पा खाने के बाद में और टर्न करती है, बॉल टप्पा खा करके एक तरफ घूमती है, बैट्समैन को खेलने में दिक्कत होती है। तो ना स्विंग हो रही है ना सीम हो रही है, तो बॉलर जो है बैट्समैन को आउट नहीं कर पाएंगे, बॉल स्लो भी आ रही है, तो कुल मिलाकर के जो है बॉलर को नुकसान ही हो रहा है हर जगह। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस केस में तो बैट्समैन को काफ़ी फ़ायदा होगा, वो तो आराम से मार सकता है शॉट, उसके पास में तो काफ़ी टाइम भी है मारने के लिए, ना बॉल इधर उधर घूम रही है। तो ये बात तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैट्समैन को काफ़ी फ़ायदे हैं, बैट्समैन को भी उतने ही नुकसान है जितने बॉलर्स को हैं। क्यों?
तो सबसे पहले तो आपको पता है कि बॉल जो है टप्पा खा करके स्लो हो रही थी बैट्समैन के पास आने से पहले। यही चीज़ होती है जब बैट्समैन बॉल को खेल देता है, जब जो बॉल है वो बैट से लग करके और आउटफील्ड पर दौड़ रही होती है, उस वक्त भी वही चीज़ होती है, बॉल का वेट कम है और साथ ही साथ में बॉल की सरफेस भी बिल्कुल रफ़ है। इस वजह से आउटफील्ड के ऊपर घास के ऊपर बॉल स्लो हो जाती है, यानी कि बाउंड्री पर पहुंचने में बॉल को ज़्यादा टाइम लगता है, बॉल की ट्रेवल स्पीड कम हो जाती है। तो गाइज़ इस तरीके से बैट्समैन के जो शॉट्स की रेंज है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि बैट्समैन के पास में ज़्यादा शॉट्स मारने के ऑप्शन नहीं होंगे। आप जो है स्ट्रेट में मार सकते हैं, लेग साइड में बॉल मारा जा सकता है, क्योंकि उस साइड में पावर ज़्यादा लगा सकते हैं, आप बॉल को पुल कर सकते हैं, सामने मार सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफ साइड में शॉट मारेंगे तो वहाँ पर जो है आपको बॉल को पुश करना होगा, और आप समझ सकते हैं कि बॉल को पुश करने में उतना पावर शायद नहीं लगा पाएंगे जितना कि बॉल को पुल करने में लगा सकते हैं। तो ये वाली चीज़ आएगी बिल्कुल, और जो बॉल है इतनी स्पीड उसकी नहीं बन पाएगी कि बॉल जो है वो पहुंच पाए बाउंड्री की तरफ ऑफ साइड में। ऑफ साइड में हो सकता है कुछ शॉट लगा भी ले, लेकिन अगर बात करें पीछे की विकेट कीपर की तरफ, तो उस तरफ आप सोच सकते हैं कि बॉल का जो स्पीड है सिर्फ उसी का यूज़ किया जाता है। एक लेदर बॉल जो होती है उसकी स्पीड काफ़ी होती है, बैट्समैन उसको सिर्फ डायरेक्शन दे देते हैं, सिर्फ दिशा दे देते हैं और सही प्लेसमेंट कर देते हैं, बॉल जो है अपने आप थोड़ी देर में बाउंड्री पे पहुंच जाती है बहुत जल्दी। वहीं अगर एक टेनिस बॉल है तो एक तो इसकी स्पीड वैसे ही कम होगी, और अगर आप इसको सही डायरेक्शन आपने दे दी, आपने सही प्लेस भी इसको कर दिया, कोई फील्डर नहीं है वहाँ पे, लेकिन बॉल जो है वो बहुत स्लो है और कोई भी फील्डर जो है आके फील्ड कर लेगा बॉल को, हो सकता है थर्ड मैन का फील्डर जो है वो पीछे की बॉल को पकड़ के और वापस से फील्ड कर दे, तो वहाँ पर आपको रनों का नुकसान होगा, बैट्समैन को रनों का नुकसान होगा, कम रन बनेंगे और साथ ही साथ में जो व्यूअर्स हैं उनको भी मज़ा कम आएगा, क्योंकि भाई रन नहीं बन रहे, बैट्समैन पूरा अपना स्किल दिखा रहा है, उसका टाइमिंग, उसका प्लेसमेंट, जो भी उसने अब तक सीखा है, उसकी जो कला है वो काम नहीं करेगी, रन ही नहीं बने, क्योंकि मेन मोटिव तो रन बनाना ही है, रन बना के ही टीम जीतेगी। तो भले ही बैट्समैन के पास में बॉल सीधी आ रही है, स्लो आ रही है, लेकिन उसको बाहर पहुंचाने में उतनी ही परेशानी होगी बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुंचाने में जितनी कि एक बॉलर को हो रही थी। तो यहाँ पर जो है बैट्समैन के लिए भी बिल्कुल फ़ायदे का सौदा नहीं है, साथ में व्यूअर्स के लिए भी नहीं है। तो दोस्तों अब आपको शायद कुछ आइडिया हुआ होगा कि क्यों जो है टेनिस बॉल को यूज़ नहीं किया जाता। साथ ही साथ में एक फ़ायदा है टेनिस बॉल को यूज़ करने का, कि टेनिस बॉल के साथ में जनरली यूज़ किया जाता है कश्मीर विलो बैट का या फिर पॉपुलर विलो बैट का, जो कि सस्ते होते हैं कंपेयर टू दी, अगर हम बात करें एक लेदर बॉल की जिसके साथ में यूज़ किया जाता है इंग्लिश विलो बैट का, कश्मीर विलो बैट सस्ते होते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर ये आपका कुछ पैसा बचा दें, क्योंकि आपके बैट भी सस्ते हैं, बॉल भी सस्ती है, तो उस केस में जो है अफोर्डेबल ज़्यादा हो जाएगा। और इसीलिए आपको पता है गली क्रिकेट में इस बॉल का यूज़ किया जाता है जनरली टेनिस का या फिर रबर वाली बॉल का, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो हो सकता है एक इंग्लिश विलो बैट को या फिर इन बॉल्स को अफोर्ड ही ना कर पाएँ। तो उस मामले में एक अच्छी बात है कि टेनिस बॉल हमारे साथ है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं खेलने के लिए। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप जो है आप जितना जल्दी हो सके आप लेदर बॉल के ऊपर आ जाइए, क्योंकि वो जो कंडीशंस होंगी लेदर बॉल वाली वो बहुत अलग होने वाली हैं एक टेनिस बॉल के कंपैरिजन में। हो सकता है अगर आपने नहीं खेला है तो आप सोच भी नहीं सकते कितना डिफरेंट हो सकता है लेदर बॉल और टेनिस बॉल। गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा और साथ ही साथ में कौन सी बॉल यूज़ करनी चाहिए इस चीज़ का भी थोड़ा आइडिया हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्पोर्ट्सशाला को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।